हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच के आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 पावर -1, -4/9 पावर -1 और -7 पावर -1 एंड 1/-3 पावर -1। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पावर जब नेगेटिव हो जाती है तो हम उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, यहाँ मैंने समझाया है, अगर कुछ ऐसा बनाया हुआ है जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में a/b लिखा हुआ है और इसके यहाँ m लिखा हुआ है, तो ये जो m है इसको तो पावर बोला जाता है या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए बस आप याद रख सकते हो कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये पावर है। इसका मतलब क्या है कि a/b को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं आप एक और एग्जांपल से अगर मैं समझाऊँ, जैसे 2^5 रखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको बोला जाता है बेस। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को, हमारा कॉन्सेप्ट है पावर -1, तो -1 को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बना के फिर सोल्व करना आसान है क्योंकि पावर फिर 1 हो जाएगी और 1 का मतलब उसकी पावर, हमें क्या करना है, केवल उसी नंबर को लिख देना, वही क्या है हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर a/b की पावर -m दे रखी है, m कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना, पावर को माइनस से क्या बनाना, पॉजिटिव। तो करते कैसे हैं, इस बेस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और पावर को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि कहीं पे 2/5 है, इसकी पावर -2 दे रखी है, तो इसको हमें सोल्व करना है, तो -2 की पावर -2 को हम सोल्व नहीं कर पा रहे, तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या होगा, 5/2 हो गया। अब पावर 2 का मतलब है कि ये दो बार मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 × 5/2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना होगा, 5 × 5 = 25 और 4 × 2 = 4 हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया इस वाले क्वेश्चन का, 25/4। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर यहाँ भी हमें यही करना है, तो यहाँ क्या होगा, इसकी पावर पॉजिटिव बनाना है, तो 8/5 और पावर कितनी हो गई, 1, माइनस का प्लस 1 जाएगा। और अब हमारे को पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 8/5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 9/-4, उसकी पावर 1 और पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो कितना हो गया, 9/-4। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, ओनली -7 है, तो हम पहले क्या कर ले, इसके नीचे 1 लगा ले, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो -7/1 बोल सकते हैं इसको। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 1/-7/1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 1/-7। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1/-3 की पावर -1 है, तो इसको -3/1 की पावर 1 बोल सकते हैं, और नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। आई होप ये आप लोगों को चारों के चारों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा 6th क्वेश्चन खत्म हो गया। आप 7th क्वेश्चन करते हैं, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना साइड में, क्लाउड पॉइंट मतलब क्लाउड टाइप का ऐसे बना के या नोट वगैरह आप डाल के आप नोट कर सकते हो, ये कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो इसकी हेल्प से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हुआ है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व करना है, और उसके बाद में दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन इसको आगे सोल्व करने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअल में यूज हो रही है। तो देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए को अगर मल्टीप्लाई किया जाए b+c से, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a × b, बीच में प्लस है तो प्लस a × c हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियोज़ को देख लिया होगा।
आप अगर आपने अभी तक कौन से वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, नवोदय बेच वाला जो सेक्शन है वहाँ जाके पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखिए। कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है पहले, तो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ, फिर हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे और फिर लास्ट में क्या होगा, दोनों इक्वल आने चाहिए तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, वेरीफाई आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 3/7 ऐसे कैसे, ब्रैकेट में 6 और 13 का जब एलसीएम लोगे तो वो आएगा 78 आएगा। अब 78 में 6 से डिवाइड करोगे 13 टाइम होगा, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 65 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। फिर 78 में 13 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम होगा, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा। अब ब्रैकेट को पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग, 3/7 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 7 और 5 कितना, 2 और 5 7 हो गया, और 6 और 7 6 और 7 कितना हो गया 13 हो गया, और डिवाइड बाय यहाँ कितना है 78। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखो हम आगे सोल्व करते हैं इसको, अगर कुछ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 6 जा 18 हो गया, मतलब ये तो यहाँ डिवाइड हो गया, क्या कुछ और भी डिवाइड हो रहा है क्या, देखो 7 यहाँ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा 7, एक बार और देख लेते हैं कि भाई हमने कुछ गलती तो नहीं की है। 5 और 2 7, 6 और 7 13 सही है, और यहाँ पे भी इसका 6 टाइम डिवाइड होगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 सही है बिल्कुल। अब तो ऊपर तो क्या आ गया 137 और नीचे क्या आएगा, देखो 6 7 7 6 जा 42 का 2 आएगा, कैरी कितना आएगा 4 आएगा, 7 2 जा 14 और 4 18, तो हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया 137/182। आई होप ये चीज़ आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सोल्व किया ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट्स है तो दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 3/7 मल्टीप्लाई 12/13, तो देखो कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होके कट रहा है, तो देखो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है 5 1 जा 5, नीचे कितना हो गया 7 2 जा 14 प्लस यहाँ 12 3 जा 36 डिवाइड बाय, इसको इससे करेंगे तो 78। आई होप ये आप लोगों को, सॉरी इसको इससे करेंगे तो 13 7 जा 91, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो आप लोग जब एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, वो आएगा 182। आप लोग लेके देख लेना अलग से यहाँ पे साइड में कि 91 और 14 को लिखा दोनों में क्या हो रहा है, 2 से इसमें डिवाइड हो रहा है इसमें नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे कैसे नोट कर लेंगे, यहाँ 7 होगा इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना टाइम होगा 13 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, फिर ये 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम 1 टाइम, 13 7 जा कितना होता है 91, और 91 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 182। ठीक है, अब इसके अंदर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखो 18 में तो 1 टाइम गया, कितना बचा 4 बचा, 4 के आगे 2 लगाएंगे तो 42 हो गया, अब 42 में कितने टाइम होगा 3 टाइम, मतलब 13 टाइम होगा, और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, और 2 को 70 और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, जब दोनों का सम करेंगे तो ये 137 आएगा, नीचे 182 आएगा। तो देखो लास्ट में हमारे को पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट में क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड, हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बाकी के दो या तीन क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको भी हम देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम आगे के तीनों क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि ये यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, तो -15/4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3/7 प्लस -12/5 बराबर है -15/4 मल्टीप्लाई 3/7 प्लस -15/4 मल्टीप्लाई -12/5। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं हम,
तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, तो देखो माइनस 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई, तो देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 12 अपॉन 5 बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 15 अपॉन 4, जब एलसीएम लोगे नीचे तो कितना आएगा, 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा, इस 35 में 7 से डिवाइड करोगे 5 टाइम होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, बीच में माइनस आएगा, इस 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 टाइम होगा, 7 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आएगा, ये तो माइनस 15 अपॉन 4 ऐसे कैसे चल रहे हैं, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करो तो पहले देखो 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आएगा, फिर 7 माइनस 1 करेंगे तो 6, यानी माइनस 69 अपॉन 35। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखो कुछ आगे ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये 5 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 से 7 टाइम डिवाइड हो गया, क्या और कुछ भी हो रहा है क्या, ये 7 इससे नहीं होता है, 7 की टेबल में 69 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता है, तो मतलब ये यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये क्या था, माइनस का 3 और ये था माइनस का 69, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन जाएगा और कितना बनेगा, 9 3 जा 27 का 7 आएगा, कैरी कितना आएगा 2 आएगा, और 6 3 जा 18 और 2 20 और नीचे कितना आ गया 28। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखो ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पे मैं माइनस 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 प्लस माइनस 15 अपॉन 4 मल्टीप्लाई माइनस 12 अपॉन 5, इसको पहले ऐसे कैसे लिख दिया मैंने। अब देखो आगे जो भी डिवाइड वगैरह हो रहा है तो उनको करके देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ऊपर माइनस 3 और माइनस 3 बच गया, यानी माइनस माइनस प्लस का 9 आ जाएगा इसका रिजल्ट, तो फिर बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ देखो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, 7 15 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 15 और 3 दोनों से नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 15 को इससे करेंगे माइनस 45 आएगा, और यहाँ नीचे करोगे 28 आएगा, नीचे क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं तो 1 आ जाएगा, मतलब 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा, इस 28 को इस 28 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, और 1 को माइनस 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 45 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, इस 28 को 1 से डिवाइड करोगे तो 28 टाइम होगा। अब 28 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 280 आता, हमें 9 टाइम करना है, यानी कि 280 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये आप लोगों को याद रख सकते हो ट्रिक, कि जब भी 9 टाइम करना है तो हम 10 टाइम हमें पता है कि 280 हो जाता है, तो हमारे को क्या करना है, 9 टाइम निकालना है, तो 9 टाइम निकालने के लिए क्या करो, 280 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहले तो 20 सब्ट्रैक्ट करो तो 260 हो गया, फिर क्या होगा, 8 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 252 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 252। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 207 और नीचे कितना है 28। तो देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट निकल के आया था वही क्या था, राइट हैंड साइड का रिजल्ट निकल के आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, बराबर हो गई, तो यानी हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ जो ये मल्टीप्लाई राइट साइड लेफ्ट साइड में गिवन था, इस बार क्या दे दिया, राइट साइड में लिख के दे दिया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में ये यहाँ ऐसा बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो देखो 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा, मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ मैं, और लास्ट में देखते हैं कि दोनों बराबर आते हैं कि बीच में मैं सेपरेशन कर देता हूँ इसका। तो देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, यहाँ क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा ये, तो देखो ये 2 से कितने टाइम, 4 टाइम डिवाइड हो गया, ये 2 से 3 टाइम, तो ये कितना बन गया, माइनस 4 अपॉन 6, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 यानी माइनस 20 डिवाइड बाई 3, 3 जा 9, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, तो देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है डिवाइड, क्योंकि 6 ऊपर किसी से भी नहीं होता, 12 भी ऊपर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा, देखो माइनस 13 को 5 से करेंगे माइनस 65 आएगा, और नीचे 12 को 6 से करेंगे तो 72 आएगा। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो इस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम होगा, 4 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, भाई ये दोनों क्या है, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा,
12 में 12 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 होगा। ये ध्यान रखना है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, माइनस। जब इन दोनों को एक साथ लाओगे तो माइनस 37 अपॉन 12, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई, माइनस 37 अपॉन 12। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 9 और 72 का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। इस 72 में क्या करना है, 8 से वो 9 से डिवाइड करना है तो 8 टाइम होगा, और 8 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 160 आएगा। बीच में प्लस है, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए किसका आएगा, माइनस का आएगा। 72 में इस 72 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे ऊपर तो देखो ये आ जाएगा माइनस 225 और नीचे कितना हो गया 72। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारे को इसको आगे सोल्व करना है, तो देखो किससे से डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 24 टाइम होगा और ये 75 टाइम हो गया। क्या फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, कुछ गलत कर दिया क्या हमने, देख लो एक बार, मल्टीप्लाई किया माइनस 20, 3 जा 9, हाँ सही है ये, तो फिर यहाँ क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे करना था, क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 टाइम होगा, 8 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 160 आएगा, बिल्कुल सही है ये भी, कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना, एक बार देख लीजिए। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगा, इसको इससे करेंगे 65 आएगा, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा, सही है ये भी बिल्कुल। इस 72 में 9 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम होगा, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 160 आएगा, सही है ये भी। यहाँ कुछ साइन वगैरह की तो गलती नहीं हुई है ना, यहाँ देखो क्या हो सकता है, यहाँ गलत कर दिया हो कुछ, 4 टाइम होगा, देखो यहाँ एक गलती हो गई छोटी सी, देखो यहाँ पे 12 को हमने 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम होगा, 4 टाइम, और 4 को जब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 32। जब इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 45, ठीक है। और ये फिर से आगे सोल्व हो जाएगा, कितना देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 15 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम, यानी फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, माइनस 15 अपॉन 4। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ भी दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो यहाँ भी कुछ गलत हुआ है क्या, 160 ऐड करेंगे माइनस 250, यहाँ पे 72 है, 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम होगा, ये सही है बिल्कुल, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, ये 3 से डिवाइड हो गया था, सही है बिल्कुल। फिर यहाँ पे क्या होगा, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे माइनस 13, ये भी सही है बिल्कुल, माइनस 45 अपॉन 12, माइनस 15 अपॉन 4, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ तक 160 और 60 कितना हो जाएगा, 220 और 5 हो गया 225 डिवाइड बाई 72। अब देखो आगे और इसको और सोल्व करके देखते हैं कुछ आता है क्या यहाँ पे, ये कुछ गलत नहीं होना, वैसे तो गलती तो नहीं हुई है, लेकिन आगे देखो सोल्व करते हैं, ये 3 से और डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम होगा, ये 8 टाइम हो जाएगा, ये 25 टाइम हो जाएगा, माइनस 25 अपॉन 8 आ रहा है इधर तो, और इधर कितना आ रहा है, माइनस 15 अपॉन 4, ऐसा नहीं आना चाहिए, गलत हुआ है कुछ ना कुछ। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम भी सही है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 8 टाइम होगा, सही है ये भी बिल्कुल, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर आंसर गलत कैसे आ रहा है, इन दोनों को ऐड करते वक्त भी यहाँ देखो, देखो यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 24 आएगा, सही है ये भी, यहाँ 3 से डिवाइड किया 75 आएगा, फिर यहाँ 3 से डिवाइड किया 25 आएगा, यहाँ 3 से डिवाइड किया 8 टाइम आएगा, फिर ये क्या है, माइनस 32 कैसे आ रहा है, ये सही है माइनस 32, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, मिस्टेक क्या मतलब, इसको इनकम्प्लीट किया है, हमने ब्रैकेट को ही सोल्व किया है, बिल्कुल सही है सब कुछ, यहाँ क्या करना है, 5 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई भी तो करना है अभी, तो 5 अपॉन 6 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना भूल गए अपन, तो देखो अब आ जाएगा, तभी मैं सोचूं कि यहाँ पे मिस्टेक कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है, तो देखो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक ये थी कि इसको हमने ध्यान नहीं दिया भाई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले हमने केवल ब्रैकेट को ही सोल्व किया और वही रिजल्ट मान लिया, तो ये कितना था, माइनस 45 अपॉन
12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 होगा, जिसको आगे इन दोनों को सोल्व करोगे तो देखो ये क्या बन गया था, माइनस 15 अपॉन 4 बन गया था। अब देखो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ हो रहा है तो करो, ये 3 से कितने टाइम हो गया, 5 टाइम, ये 3 से 2 टाइम, तो यहाँ पे देखो माइनस 5 को 5 से करेंगे तो माइनस 25 हो गया, और 4 को 2 से करेंगे तो 8। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। ये देखो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुई थी हमारी, हमने गलती क्या की थी कि इसको मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो वो हमने लास्ट में सुधार लिया गलती। तो इसके साथ ये हमारा क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, वेरीफाई कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। तो देखो यहाँ क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है, इसको पहले सोल्व करूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ क्या होगा, देखो ब्रैकेट सोल्व होगा पहले, ये इस वजह से यहाँ पे गलती हुई थी क्योंकि ये बाद में लिख दिया था। हमारी आदत क्या है कि हम आगे ही लिख के सोल्व करते हैं तो वो साथ के साथ लिखते जाते हैं, अब यहाँ पे इसको सोल्व किया तो इसको लिखना भूल गए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो इसका कितना आएगा, 18 आएगा, 9 और 6 का एलसीएम, 18 में 9 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम होगा, 3 को माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24 आएगा। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस 18 में 6 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम होगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, और राइट हैंड साइड में दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है तो हम कर लेते हैं, ये इससे हो रहा है क्या, ये देखो किसी से भी नहीं हो रहा, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 को 16 को 8 टाइम करना है, तो जब 16 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 132 आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 63, बीच में प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ देखो कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, देखो ये 7 से 7 डिवाइड हो गया, ये 2 से 3 टाइम हो गया, और यहाँ 2 से 8 टाइम डिवाइड हो गया। अब ऊपर क्या होगा, देखो यहाँ ये 11 टाइम हुआ था 7 से 7, माइनस 8 और माइनस 1 बच गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जा 3 हो जाएगा। आई होप ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ देखो तो राइट हैंड साइड ये चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड ये चल रही है हमारी, तो देखो इसको अंदर ब्रैकेट को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 45 अपॉन 18 आ गया। अब इसमें देखो कुछ सब्ट्रैक्ट वगैरह या मल्टीप्लाई वगैरह हो रहा है तो कर लेते, मतलब डिवाइड वगैरह हो रहा है, तो ये 8 टाइम डिवाइड होगा 2 से, और ये 9 टाइम हो गया। फिर ये क्या होगा, 3 से 15 टाइम होगा, ये 3 से 3 टाइम होगा, तो अब ऊपर देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 15 8 जा 120 हो गया, और नीचे 7 3 जा 21 हो गया। अब यहाँ भी ऐड करके देख लेते हैं तो यहाँ कितना आता है, एलसीएम आएगा 63 आएगा, 63 में इस 63 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम होगा, और 1 को 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 21 टाइम होगा, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 816 आएगा। आई होप आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इसको हमें आगे क्या करना है, पहले ऐड कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 9 और ये फिर से 0, फिर 1 आएगा कैरी तो 3, और डिवाइड बाय 631। अब यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ कुछ गलत कर दिया क्या हमने, देख लो एक बार, ये 132 नहीं होगा, ये यहाँ देखो फिर मिस्टेक हो गई छोटी सी, 128 आएगा, ये 132 नहीं है, 128 आएगा, 16 जा 128 आएगा। तो यहाँ क्या होगा, अब एडिशन करना है, तो 128 यानी 4 माइनस कर दोगे, मतलब यहाँ पे 8 और 8 16 हो गया, 1 6 और 2 कितना हो गया, 8 और 1 9, और यहाँ 1 हो जाएगा, सॉरी 1 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना है हमारे को दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो देखो ऊपर और नीचे अगर आप करोगे तो यहाँ कुछ गलत तो नहीं किया ना फिर से हमने, 128 बिल्कुल सही है, 63 बिल्कुल सही है, फिर यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 21 टाइम होगा, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई 8 8 और यहाँ 60 सही है बिल्कुल, 6 8 और 8 कितना हो गया, हाँ सही है, हम सही कर रहे हैं बिल्कुल। देखो आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करो, 3 से डिवाइड करो, 21 टाइम होगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये हो रहा है क्या 3 से डिवाइड, आई थिंक नहीं हो रहा है 3 से डिवाइड, ये देखो और आगे डिवाइड हो सकता है क्या, इसको पहले कर लेते हैं, ये 3 से 30 टाइम होगा, ये 7 टाइम हो गया। अब यहाँ देखो ये डायरेक्ट 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, 15 टू 17 हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो रहा है,
कुछ गलत नहीं किया, फिर भी गलती कैसे हो रही है हमारी? कुछ प्लस माइनस में तो गलती नहीं की है ना हमने, इसको इससे किया। देखो एक बार वापस मैं रिवर्व करता हूँ, यहाँ देखो फिर वही छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने। तो देखो यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, 18 है, 18 को हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम होगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 टाइम नहीं होगा या 16 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 37 आएगा। ये बार बार गलती हो रही है, हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे को इतना ध्यान नहीं दे रहे इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, हमने गलती सुधार ली है, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। और ये यहाँ पे अब 9 टाइम मल्टीप्लाई होगा, अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये माइनस है, ये भी माइनस का है, दोनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 56 कैरी कितना आया, 5 आएगा, 8 3 24 और 5 296 डिवाइड बाय 63, और इधर भी कितना आ गया, 296 डिवाइड बाय 63, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, इक्वल हो गई। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है हमारी, हमने उनको अच्छे से सुधार लिया है, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के दो बाकी के क्वेश्चंस बच गए उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।